हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आज मैं करवा चौथ की व्रत कथा लेकर आई हूं। और दोस्तों, आप सभी लोगों को हम ये भी बताएंगे कि करवा चौथ किस तिथि को मनाया जाएगा। तो वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, आप सभी को हम सब बताने वाली हूं। बताओ, करवा चौथ व्रत भगवान गणेश और करवा माता को समर्पित है। करवा माता की पूजा और उसकी कथा पढ़े बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। सुखी दान पत्य जीवन पति की दीर्घ आयु के लिए सुहागन करवा चौथ निर्जला व्रत रखती हैं। और इस साल में 13 अक्टूबर 2022 को करवा चौथ का पर्व मनाया जाएगा। मताए, आइए हम जानते हैं कि करवा चौथ पूजा में कौन कौन सी कथा पढ़ना जरूरी माना जाता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को करवा चौथ की कथा सुनाने जा रही हूँ। करवा चौथ के प्रणाली कथा के अनुसार तुंगभद्रा नदी के पास देवी करवा अपने पति के साथ रहती थी, तो उनको एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़कर नदी में खींचने लगा और करवा के पति उन्हें पुकारने लगे। आवाज सुनकर जैसे ही करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि मगरमच्छ उसके पति को मुंह में पकड़कर नदी में ले जा रहा था। यह देखकर तुरंत ही करवा ने एक कच्ची धागा ली और मगरमच्छ को एक पेड़ में धागे से बांध दी। करवा का सतीत्व इतना मजबूत था कि वो कच्चे धागे में बांध दी थी, तभी भी उसका धागा टस से मस नहीं हुआ। अब स्थिति ऐसी थी, मगरमच्छ और करवा के पति दोनों प्राण संकट में थे। फिर करवा ने यमराज को पुकारा। करवा ने यमराज से प्रार्थना की कि वो उनके पति को जीवन दान दे दे और मगरमच्छ को मृत्यु दंड दे दे। लेकिन यमराज ने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मगरमच्छ की आयु अभी बाकी है, वो उन्हें मृत्यु दंड नहीं दे सकता है, लेकिन उसके पति की आयु शेष नहीं है। यह सुनकर करवा बेहद क्रोधित हो गई और उन्होंने यमराज को श्राप देने को कहा। उनके श्राप से डरकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और साथ ही करवा के पति को जीवन दान दे दिए। और दोस्तों, हम इस कथा को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।